सभी श्रोता बंधुओं के बीच में एक दहेज पर आधारित करुण रस का विरहा आप लोगों के बीच में जा रहा है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। आज हमारे समाज में दहेज एक दीमक की तरह फैलता ही जा रहा है। ये दहेज हमारे समाज को खोखला कर दिया है। हमें और आपको ये समझना चाहिए कि दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। दोनों पक्षों में जो भी दहेज लेता है वो पाप करता है। आइए, आप सभी के बीच में दहेज पर आधारित एक बिरहा भेज रही हूँ। भूमिका के लाइन में कहना है माचा। नारिया नर से पीछे कभी ना रही, फिर भी पुरुषों की सेवा में लाई गई। पति के ऊपर नहीं दंड की संहिता, सत्य के रूप में पत्नी जलाई गई। जब विदुर पति को कोई न परहेज है, विधवा के रूप में क्यों जलाई गई। दुल्हन लाया दहेज न पाया जो पति, क्यों चिता में तो पत्नी जलाई गई। बिरहा में बड़ा बढ़िया अशिकाना गजल लागल मास्टर साहब। राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है, राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है, राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है, राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है, राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है, राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है। बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है, गौर करी है। वास्तव में दो कुलों की पहचान बेटिया, मुस्कान बेटिया है। सच में देखा जाए बाबूजी, बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटा एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो कुलों को रोशन करती हैं। अगर मायके में है
तो अपने परिवार को जोड़कर रखती हैं। वाह वाह वाह। अगर उनकी शादी हो गई तो ससुराल में जाकर अपने सास ससुर जेठ जेठानी की मर्यादाओं को संभाल कर रखती है। वाह वाह वाह। नजम के लाइन में कहना है मास्टर। वाह भाई वाह। जिला प्रतापगढ़ ऊंचे गांव नाम सुनो। जिला प्रतापगढ़ ऊंचे गांव नाम सुनो। बंसीधर मास्टर का वही मुकाम सुनो। मध्यम श्रेणी में बंसीधर भी जाने जाते हैं। मध्यम श्रेणी में बंसीधर भी जाने जाते हैं। सिठोली प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते हैं। छोटा परिवार सुखी बड़ा हो नहार रहा। पत्नियां पुत्र पुत्र से ही बड़ा प्यार रहा। पुत्र सोना मयब हो गई सयानी है। पुत्र सोना मयब हो गई सयानी है। एक दिन पत्नी अपने पति बोली बानी। कहानी के समझ ली बाबूजी। ये कहानी प्रतापगढ़ जिले की बताई जाती है। प्रतापगढ़ जिले में एक ऊंचा गांव है। उस गांव में बंसीधर का परिवार रहता था। बा, बा। भगवान की कृपा से गोदी में दुठे औलाद दिए हैं। बिटिया का नाम सोनम बताया जाता है और बेटवा का नाम संतोष। बिटिया बीए कर चुकी है। बेटवा संतोष 11वीं कक्षे में पढ़ रहा है। बा, बा, बा। बड़ा हंसी खुशी परिवार चलत रहा। एक दिन बंसीधर की पत्नी सीमा जाके बंसीधर से एक ठी बात कहा थी। नीमिया के डरिया मैया। नीमिया के डरिया मैया। नावेली झलुआवा हो कि झूली झूली ना। हो कि झूली झूली ना। कि मैया मोरी गावेली गीतिया। हो कि झूली झूली ना। कि मैया मोरी पत्नी बंसीधर मचिया पे बैठा है। बंसीधर से एक थी बात कहा थी। कहा थी का सीमा बंसीधर से हंस के बोले लागी बानी। हाँ सयानी होई गई ना। हाँ सयानी होई गई ना। अब तो हमारी बिटिया रानी। हाँ सयानी बंसीधर के मेरारू आई के बंसीधर से कहन के सुना। तू बैठा हा खाई पी के तोहका कुछ समझ में ना आवत बा। बिटिया सयान होई गबा। अगर कहीं जाके बर खोज लेता तो अपने बिटिया के ब्याह कह दिया जा। बोझे से बोझ हमार उतर जाते। तब बंसीधर अपने मेहरारू के बात सुन के मन में कहा थे कि हाँ ये तो ठीक है बात कहत बा। तो करा थे काम। बंसीधर पत्नी से अपने मुस्कुराए। हाँ सयानी होई गई ना। हाँ सयानी होई गई ना। शादी अब की दे बई पानी। हाँ सयानी होई गई ना।
अपने पत्नी के बात सुन के बंसीधर बढ़िया से नहाई खाई के साइकिल उठाई के अपने बिटिया के फोटो चल देते सिठूरा गांव में। जब वहां जाते हैं तो सिठूरा में सेसा पटेल के घर पे रुकत हैं। जब वहां गए बताएं कि हमका लड़का देखे आई है, हम अपने बिटिया के ब्याह करे चाहिए था। सेसा पटेल कहें कि हम अपने लड़का के शादी करे चाहते ही, आप अपने बिटिया का फोटो तो दिखावे। जब अपने बिटिया का फोटो दिखावत हैं तो सेसा पटेल के पसंद आई जाता। बेटवा के बोलावत हैं, जब बेटवा रवि आवत हैं तो लड़की के फोटो देख के पसंद कर ले। जब फोटो पसंद आएगा लड़का लड़की के पसंद आएगा तो रिश्ता पक्का होएगा। अब बात शादी पे होएगा। सेसा पटेल बंसीधर कहन की शादी अब के ही फान दिया जाए। सेसा पटेल के शादी तो फान दिया जाए ठीक है, लेकिन हमका दहेज में 12 लाख रुपया चाहिए। लेकिन हो थका कई दिहले तब ज्ञानी आसयानी हो गई ना। रिश्ता पक्का होएगा, सेसा पटेल गन की देखा हमका दहेज में 12 लाख रुपया चाहिए। हाँ ज्यादा ना है। बंसीधर अपने मन में सोचत हैं कि बढ़िया से कमात बढ़वे कि हमारे एक बिटिया अच्छे घर परिवार में चली जाए तो बढ़िया हो जाए। बंसीधर दहेज में 12 लाख रुपया मान लिए, शादी पक्की हो गई। इधर से सेसा पटेल सिठूरा गाँव से बारात लेकर ऊंचे गांव में पहुंचती है। जब वहां दुबरा कचार लगी, खाना पीना होएगा, शादी यहाँ तक होएगा, लेकिन जब सुबह पैसा थमावा तहन दहेज में 9 लाख रुपया। सेसा पटेल कहन देखा समझी तू हमरे साथे बहुत गलत करत बटा। दहेज में तू 12 लाख रुपया मांगे रहा, लेकिन आज तू 9 लाख रुपया देता है, ये तू ठीक ना करत है। बंसीधर कहन की देखा सुना समझी हमरे पास इतने ही पैसा बाटे, अगर हमरे पास 3 लाख रुपया के कैसे व्यवस्था कई के हम तोहरे घर में पहुंचा देवे, लेकिन यही समय हमरे पास 9 लाख रुपया। जब इतना बात बंसीधर कहा थे तो सेसा पटेल मान के अपने पतोहू के विदा करा के अपने घर लेके जाते हैं। लेकिन हो थकाई है। अरे दहेजवा के बजलती अगिया, अरे राम दहेजवा के बजलती अगिया, दहेजवा के बजलती अगिया, लगी वृक्ष में जल गई सारी बगिया। दहेजवा के जलती के बिया जब बंसीधर कई दिहन, जब बिटिया अपने ससुराल में पहुंची तो सास ननद सब उनका उतारी, उतार के एक कमरा में बैठाई दीहन। जब एक कमरा में बैठाई दीहन सेसा पटेल के मेहरारू जाके सेसा पटेल से कहा थीन कि दहेजवा कितना मिला बा। कहन का बताई, दहेजवा तो 9 लाख रुपया दे बा। अरे बाप रे बाप, इतनी बात जब सुनी सेसा पटेल के डांट पड़ी कि काहे तू 3 लाख रुपया नहीं लाया। कहन की देखा माने अहन कि कुछ दिन में व्यवस्था कई के हम तोहरे घरे पहुँचाई दे, यही बदे हमके जैसे शादी कई के लेके आई है कुछ ही दिन के बात है पहुँचाई दे है पैसा। कहन देखा ये हमरे साथे गद्दारी के है,
इतना बात जब ये पूरा परिवार सब मिल के आपस में चर्चा कर के बिटिया सोनम के सब प्रताड़ित करे शुरू कर दिए तो करत हैं का सोनम जब ससुराल में आई होने लगा है अत्याचार के पास में गया नहीं उसका भरता भूखे पेट है रहना पड़ता सास पति की साथी माँ दहेज से पापी पति ने पीट पीट कर दिया बेजा जब सोनम के कमरा में बैठाए देन पूरा परिवार मिलके सोनम के ऊपर अत्याचार करे लागेन ना सोनम के खाना देहन ना पानी देहन यहाँ तक कि वो कैसे हैं कैसे ना केहू पूछे तक नहीं का पूरा परिवार मिलके वो बिटिया पे अत्याचार करत हैं खाली दहेज खातिर वो बिटिया के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार तीनों पापी कर रहे हैं। भूखी प्यासी बुखार से तड़प रही है मौका पाकर अंगने में गई और उनके पति और सास दोनों अंगने में खड़े है। सोनम जाके अपने पति के पांव पकड़ के रोवे लागिन रो के एक है बात कहतिन विदेशिया में कहना है रोही रोही सोनम एक दी अरे पति जी से पूछन लागी अरे कवन कसूरा मोरा कहिला ससतिया हसी ससुरा ले आए स्वामी जी ना सुख पाए अरे मारी मारी दही आके कैला दूर गतिया बगल में खड़ी सासू तन तोरी का है लागे तीन लख दे जा बाकी मारी का गई मतिया सोनम ताबा सासू जी के गिरली चरनिया पे कहे मोरा पापा से कराही दे तू बतिया जब सोनम अंगने में गई अपने पति की पांव पकड़ कर रोने लगी कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप पूरा परिवार साथ में मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। वाह भाई वाह। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दिया है ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया हूँ सबसे पूरे परिवार से पूछ रही है सोनम लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। तब तक सास बोल पड़ी कि देख शादी 12 लाख रुपया पे तय भई रही लेकिन ब्याह में 9 लाख रुपया दे तोर बाप गद्दार है हमरे साथे धोखाधड़ी के है बा हमका हमरे तो का हमरे माथे फसाई के अपना चैन के नींद सोवता ई हमरे साथे गलत के हैं एकर सजा तो का भोगे के पड़े। जब इतना बात सोनम सुना थीन तो तुरंत अपने पति से कहिन कि देखा हमका फोन लगा के दईदा हम
अपने बाबूजी से तुरंत कह के पैसा मंगवाई देते हैं। जब फोन लगावत हिन तो सोनम अपने पिता से बात करिन कि पापा आप तो शादी कर दिए लेकिन एक बार यो नहीं पूछन कि तू कैसे बांटू। हाँ जब इतनी बात बंसीधर सुना थे परेशान हो जाते कि बिटिया कब शादी काले विदाई भा आज ऐसा कौन सा बात होगा जो इतनी परेशानी में बात करत है। बिटिया बतावत बे पापा अगर कैसे हो तो पैसा 3 लाख रुपया भेज दा हमरे ससुराल में अगर हमका जिंदा चाहत हा तो। जब इतनी बात बंसीधर सुना थे तो अपने बेटवा संतोष के सोनम के ससुराल में भेज थे। तिहा एक तर्ज लगी मा माई हो ललनवा दईदा माई हो ललनवा दईदा माई हो ललनवा दईदा बहिनी हो बिरनवा दईदा बहिनी हो बिरनवा दईदा बहिनी हो बिरनवा दईदा देशवा के खातिर बढ़िया भावा संतोष जब अपने बहन के ससुराल में आवा थे तुमकरे साथे हो था का बोला तब बिरनवा बोला तोहरा घर बार बेचवाई हो अपने बहन से मिले खातिर जब ससुराल में आए तो सास ससुर सोनम के पति के हो संतोष से उनकरा बहन से मिले नहीं देते। जब उनकरा बहन से मिले नहीं देते तो संतोष एकदम क्रोध में आ जाते कि देखा अगर हमरे बहनी के कुछ होई तो पूरा घर परिवार के हम जला के राख कर दे एक जने सही ना होबा हमरे बहन के साथे कुछ होई के ना चाहिए। लेकिन ए बाबू जब इतनी बात संतोष कह के अपने घर चला गए तब तिहा तीनों पापी मिल के एक योजना बनावत हैं। का बजाओ बनावत मस्त इतनी बचन कही घर को सिधाए
बतिया में तीनों योजना बनाए। संतोष इतनी बात कही के अपने घर के चला गए। तब तीहा तीनों पापी मिल के एक योजना बनावा थे कि एकर बाप पैसा तब भेजी ना तो कहे ना एक अपने गटई से हटा दिया जाए दूर करा। तो तीनों मिल के एक योजना बनावा थे कि एक मार दिया जाए। उही दिन सोनम के पति उनके कमरे में जाते हैं। जब कमरे में जाते हैं सोनम कमरे में देख के तो बड़ी खुश हो जाती नहीं। यहाँ एक तर्ज लगी कौन आसमां से उतारा गया है। आसमां से उतारा गया है जिंदगी दे के मारा गया है। कमरे में रवि जब आई जाते तो सोनम देख के बड़ी खुश हो जाती है। भाई बाह तो हो थका सोनम पति से तबोली है बानी। सोनम पति से तबोली है बानी आज मेरी सफल जिंदगानी। घर में हलाए से उसके बहता है पानी। नैनो से उसके बहता है पानी आज मेरी सफल जिंदगानी। मार कर है मिटाया निशानी आज मेरी सफल जिंदगानी। ए बाबू जब तीनों योजना बनाए देते कि सोनम के कत्ल कह दिया जाए। जब कमरे में रवि आवत हैं तो अपने पत्नी के जमीन पर बैठी रहती बाँह पकड़ के बैठाए देते हैं चारपाई पे बैठाए देते हैं। बड़ी प्रेम भरी बात बतियावत हैं कि आज हमसे बहुत बड़ी गलती होएगा
तोरे साथे ऐसे ना करे के चाहत रहा। बाबा अपने मीठी मीठी बात में फसाई लेते हैं सोनम के, बढ़िया से बाल से हिलावत की, गाल से हिलावत की, उनके गर्दना पे हाथ पहुंचाई देते हैं। जब गर्दना पे हाथ पहुंचाई देते हैं ए बाबू जमीन पे पटक देते हैं, जमीन पे पटक के सोनम के गला दबाई देते हैं। यहाँ पहपट में कहना है अरे कस के दाबा पापी तब गर्दनवा मनवा रूसल हो, अरे कस के दाबा पापी तब गर्दनवा मनवा रूसल हो, अरे तड़प के उड़ गया सोनम के परनवा मनवा रूसल हो। पापी मिले ये का योजना बनाए, सोनम के लाश घर के पीछे दफनाए, अरे तीनों घर में रह लगे बेमनवा मनवा रूसल हो, अरे तीनों घर में रह लगे बेमनवा मनवा रूसल हो, अरे तड़प के उड़ी का सोनम के परनवा मनवा रूसल हो। सोनम का गला पकड़ के जमीन पे पटक के दबावे लागे थे तो सोनम रोई के कहीं कि हमका छोड़ दो, हम अपने घर चली जाओ लेकिन यहाँ ना रहा, हमका छोड़ दो, हम अपने मातारी बाप के इकलौती बिटिया है, हमका छोड़ दो, लेकिन तीनों पापी ए बाबूजी मनते नहीं। सोनम का गला दबाई के जान से मार डाला थे, जब जान से मार डाला थे तो तीनों पापी मिलके सोनम के लाश घर के पीछे दफनाई देते, लेकिन हो थका का? अरे सुबह पिता लेके पैसा सोनम घरे आई, रुपया दे के कहा देता अरे बिटिया से मिलाई, अरे तीनों बोले घर से भागी जननवा मनवा रूसल हो, अरे तीनों बोली घर से भागी जननवा मनवा रूसल हो, अरे तड़प के उड़ी गया सोनम के परनवा मनवा रूसल हो। जौनी राती में सोनम के घर के पीछे दफनाए रहे, सुबह में सोनम के पिता 3 लाख रुपया भर के अटैची में लेके आवत हैं सोनम के ससुराल, मुहारे से खड़ा हो के पैसा थमाई देते हैं कि ला पैसवा, जवन हम माने रहे 3 लाख रुपया तू ले जा, हमरे बिटिया से अगर एक दाई मिलाई देता तब बढ़िया हो जात। जब इतनी बात सुना थे सेसा पटेल कहन के सुना तो हर बिटिया का चरित्र एकदम गंदा रही। काल है वो रात से नहीं पता बा हमका लागत है कि वो भागेगा केहू के साथ। जब इतनी बात बंसीधर सुना थे ए बाबूजी पानी सर से ऊपर होएगा, सही ना पाए तुरंत करत इनका आल्हा में कहना है बंसीधर बिटिया के साहिब भियो गवाय पंचो, दरोगा तब सोनम के ससुरवा
प्रशासन के मारबे ई मनवई भैया करके खो दे जाबा सोनम के लसिया ये पंचो आए करके खो दे जाबा सोनम के लसिया पंचो आ करके खो दे जाबा सोनम के लसिया पंचो लाख करके गिरे बंसी धार बहारा करके खो दे जाबा सोनम के लसिया ये पंचो जब बंसीधर इतनी बात सुना थे कि बिटिया भाग गई तो उनसी सहा नहीं जात जाके पुलिस थाने में अपन रिपोर्ट लिखवाई दे थे कि हमरे बिटिया के साथे ना जाने का करत गयन सारी दास्तान बताई देहन कि देखा साहेब 3 लाख के बात रही हम माने रहे लेकिन आज हम 3 लाख रुपया लेके आई है तो हमरे बिटिया के बतावत हैं कि भागी गई है साहेब आप जाके एक बार पूछते हैं कि हमरे बिटिया के साथे का कहे हैं जब इतनी बात पुलिस प्रशासन सुनती है तो सोनम के ससुराल गई तीनों को पकड़ कर थाने में लाकर तीनों को जब बहुत मारते हैं तो अंत में तीनों पापी बता देते हैं कि सोनम का कत्ल करके घर के पीछे दफन कर दिए हैं जब पुलिस प्रशासन आती है घर के पीछे से सोनम का लाश खुदवाई के निकलवावत हैं तो बंसीधर से सहा नहीं जाता अपने बिटिया के देख के एकदम दुख के पहाड़ टूट गया है कि हमारे एक लौती बिटिया आज हमसे इतनी बड़ी गलती होएगा कि हम बढ़िया से घर द्वार सोच के आज हमें इसे नीच घर में भेज दे है अपने बिटिया के आखिर हम बहुत भारी गलती कह दिए अगर हमका पहले से पता होते कि इतना पापी हैं तो आज हम अपने बिटिया का शादी ऐसन घर में ना कहे होई पंधारी में कहना है अरे भेजाए बीरावा हो भेजाए बीरावा हो भेजाए बीरावा तीनों पपियन के जलिया भेजाए बीरावा दहेज की चिता में है पुत्री समानी देसवा के वासी अब करन मन मानी अरे नाही पानी के हुके रही जाई बीरावा नाही पानी के हुके रही जाई बीरावा तीनों पपियन के जलिया भेजाए प्रशासन सोनम की लाश देखती है तो तीनों पापी को जाकर जेल में बंद कर देती है ए बाबू ई कोनो बिरहा नहीं है आप सबके बीच में इस संदेश है कि दहेज लेना भी पाप है दहेज देना भी पाप है नहीं तो इसी तरह हमारे समाज में
बहुओं को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, उन्हें घर से भगाया जाएगा। अगर ये दहेज दानों रूपी अगर उखाड़ कर फेंक देंगे तो हमारे समाज सुधर जाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि दहेज जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। आखिरी भाव में कहना है, गुर भुलुर गुर गीतानंद राजा राम याधा, हैदर अली जी स्वर्ग को गईले विमल करे विस्तार हो, जवा के बाजलती आगिया अनीता धीरज गावई धई बाबा के बगिया हो, कहे जावा के जलती साथियों, ये बिरहा आप लोगों को कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।